मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे एक काफी काफी उम्दा प्रॉब्लम, काफी बेहतरीन प्रॉब्लम, काफी एक्सलेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इरोडोव साहब की बुक में है, प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स में। और ये प्रॉब्लम भी मेरे पास जो है रिक्वेस्ट में आया था, जो कि हमने ऐप आप लोगों के लिए बना रखा है, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन इरोडोव सॉल्यूशन के ऊपर। तो डेफिनेटली आप उसे यदि अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो जरूर से इंस्टॉल कर लीजिए, राइट। और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और जरूर जरूर से अच्छे अच्छे कमेंट लिखिए, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राइट। तो प्रॉब्लम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रॉब्लम इरोडोव साहब का जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है। ये प्रॉब्लम आपका जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है और ये प्रॉब्लम आपका 3.140 है। मैं बार बार आपको ये बुक दिखाता रहता हूँ, देखिए ये वाली किताब मेरे पास है जो कि आपको पता ही है, और ये प्रॉब्लम 3.140 है। प्रॉब्लम सबसे पहले पढ़ लेते हैं और फिर इसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम कहा गया कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू, विच इज लोकेटेड एट द सेंटर ओ ऑफ स्फेरिकल अनचार्ज कंडक्टिंग लेयर, राइट। तो यही है आपका कि एक स्फेरिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग लेयर है, मतलब एक तरह से समझे कि एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी इनर रेडियस ए के इक्वल है, आउटर रेडियस बी के इक्वल है, और इसमें काफी एक स्मॉल ओरिफिस है, काफी छोटा सा छेद करा हुआ है, राइट। ये वाली बात है, बहुत ही छोटा सा छेद है, बड़ा छेद नहीं है, बहुत बहुत छोटा छेद है, ओरिफिस है। हालांकि ये जो मैं दिखा रखा हूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा बड़ा दिखा रखा हूं। इनर रेडियस इसकी कही गई कि इनसाइड लेयर जो है उसकी रेडियस ए के इक्वल है, आउटसाइड लेयर की रेडियस बी के इक्वल है। प्रॉब्लम कहा जा रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी परफॉर्म टू स्लोली ट्रांसफर द चार्ज क्यू, जो कि पॉइंट ओ पे लोकेटेड है, थ्रू द ओरिफिस एंड इनटू इंफिनिटी। तो यहां पे जो चार्ज क्यू लोकेटेड है, इसको मैं स्लो स्लो लेके जाऊंगा इंफिनिटी पे, तो इस प्रोसेस में मेरे को कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा या किसी भी एक्सचेंज एजेंट को कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, इसके ऊपर की बात करी गई है, राइट। तो ये पॉइंट है यहां पे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होएगा वो ये होगा कि भाई कि वर्क जो भी परफॉर्म करी जाएगी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, वो इस सिस्टम के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, राइट। ये पॉइंट है यहाँ पे। अब एक बात और मैं ये कहना चाहूंगा कि सपोज मैं इस प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करता हूं तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि मैं इस जो ये आपका स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, जो लेयर है, उसको मैं काफी काफी स्लो लेके जाता हूं, राइट। मैं यहाँ पे इस चार्ज ओ को जो है इन्फिनिटी पे ना ले जा करके, मैं इसको, ये जो दिख रहा है आपको, इस लेयर को, कंडक्टिंग लेयर को मैं काफी स्लो 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 लेके जाता हूं। तब इस प्रोसेस में जो वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एक तरह से वही वर्क होगा जो कि पॉइंट ओ से चार्ज क्यू को, पॉइंट चार्ज क्यू को ओ से इंफिनिटी तक ले जाने के लिए करना पड़ेगा, राइट। तो इसे समझना इसलिए आसान हो जाएगा। देखिए बात यहां पे क्या है कि हम लोग यहां पे ये देखना चाहेंगे कि आखिर कितना एनर्जी चेंज करता है, कितनी एनर्जी आ जाती है मेरे वर्क परफॉर्म करने की वजह से। अब मुझे आप बताइए कि बट एंड ऑब्वियस है कि चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह पूरे स्पेस में होगी, सिवाय और केवल इस बात को छोड़ के कि इस कंडक्टिंग लेयर में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम के केस में आपका इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी तो बट एंड ऑब्वियस है कि यहां पर बेसिकली एनर्जी इस समय एग्जिस्ट नहीं करेगी जब ओ को, ओ पे मैंने पॉइंट चार्ज क्यू को रख दिया है। अब मैं सपोज स्फीयर को काफी स्लो 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 इंफिनिटी तक ले जाऊंगा, जब मैं उसको सेपरेट कर दूंगा यहां पे लेयर को, कंडक्टिंग लेयर को काफी लार्ज डिस्टेंस तक, तो उस केस में इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। और जब इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के आने की वजह से जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, वही एनर्जी मैंने बेसिकली वर्क परफॉर्म करके सिस्टम को दे दिया, सिस्टम मतलब यहां पर उससे दे दिया। बात समझ में आ रही है? बात यहां पे ये है कि इस जगह पे, इस कंडक्टिंग लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, और यदि इस कंडक्टिंग लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, तो ए से बी के बीच में एक्चुअली कोई एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज क्यू, राइट। अब मैं इस कंडक्टिंग लेयर को यहां पे काफी, मैं हालांकि ये पूरा बना रखा हूं बट यहां पे काफी छोटा सा ओरिफिस है, तो मैं इसको स्लो 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 इंफिनिटी तक ले जाऊंगा। स्लो ले जाने का मतलब है कि मैं एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के लिए कोई वर्क नहीं कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रही है, इसलिए ये वाली बात कही गई है। यदि मैं काफी फास्ट ले जाऊंगा तो और ज्यादा मेरे को वर्क करना पड़ेगा, राइट।
तो ये पॉइंट है यहाँ पे, फास्ट लेके जाते हैं, कुछ स्पीड देते हैं, तो उस केस में और ज्यादा वर्क मुझे करना पड़ेगा। तो यदि मैं स्लो स्लो लेके जाऊंगा तो होगा क्या कि जब ये पूरा स्फीयर कंडक्टिंग लेयर जो है इन्फिनिटी पे चली जाएगी, तो इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से इस रीजन में, मतलब इस स्पेस में ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी में आ जाएगा तो उसके अंदर एनर्जी भी आ जाएगी। वही एनर्जी जो आई है वही बेसिकली मैं यहाँ पे वर्क परफॉर्म कराऊं, पॉइंट यहाँ पर ये है। और जिस एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट वॉल्यूम, व्हिच इज गिवन बाय हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो वही वाली बात है कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होती है यहाँ पे हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो एनर्जी जो हो जाएगी वॉल्यूम डीवी में हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी हो जाएगी। तो इस वॉल यदि मैं एक डिफरेंशियल वॉल्यूम डीवी लूं तो उस केस में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी, राइट। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यदि वेरिएबल है तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेट करेंगे टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्पेस बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए से लेके बी के बीच में जो आपका स्फेयर है, ए से बी के बीच का जो स्फेरिकल सेल है उसमें जो एनर्जी आएगी, राइट। अब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहां से डिस्टेंस आर पे, के क्यू बाय आर स्क्वायर, जो कि आप लिख सकते हैं क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ई स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो गया। डीवी, डीवी आपको पता ही कि फोर पाई आर स्क्वायर डी आर होता है, इतना तो आइडिया हमें होता ही है कि भाई कि यदि स्फेरिकल डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं कि स्फेरिकल सेल का जिसकी थिकनेस डी आर हो, उसकी रेडियस आर हो, तो उसमें हो जाता है बेसिकली फोर पाई आर स्क्वायर डी आर। ये बेसिकली ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन केवल विदाउट इंटीग्रेशन देखें तो फोर पाई आर स्क्वायर डी आर का जो डिफरेंशियल वॉल्यूम बनेगा उसके अंदर की एनर्जी स्टोर्ड है, राइट। तो अब टोटल एनर्जी मुझे निकालना है ए से बी के बीच में, तो हम लोग सीधा इससे ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो इसमें कोई बड़ी बात रही नहीं है, पूरी की पूरी फिजिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही दिया, बस मैथमेटिकल वर्किंग है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकालेंगे, क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का जो पूरा स्क्वायर है उसको ही बाहर निकालेंगे, 4 पाई को ही बाहर निकालेंगे, नीचे केवल यहाँ पे आर फोर है, यहाँ आर स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन केवल डी आर बाय आर स्क्वायर का रह जाएगा, राइट। अब बाकी जो जितनी क्वांटिटी बाहर निकाली गई जो कांस्टेंट है, जब उसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यू विल गेट क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। बहुत बेसिक बात है जो खुद आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय आर होता है, आपको पता ही है। अब माइनस 1 बाय आर को इंटीग्रेट करेंगे ए से बी तक, जब करेंगे काम तो इट विल कम आउट क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। दिस वन इज द वर्क परफॉर्म बाय द एक्शन एजेंट और बाय मी टू मूव द पॉइंट चार्ज क्यू फ्रॉम ओ टू इंफिनिटी, या हम लोग कहें कि स्फेरिकल लेयर को जो ये कंडक्टिंग लेयर है उसको यहां पे स्लो स्लो ले जाएं यहां पे इंफिनिटी तक। बात एक ही है, मैं क्वेश्चन को इसलिए पलट दिया हूं ताकि मेरे को समझाना और आपको समझ पाना ज्यादा आसान होगा, राइट। तो कंडक्टिंग लेयर को मैं जब दूर लेके जाऊंगा इंफिनिटी तक लेके जाऊंगा तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ड्यू टू द चार्ज क्यू, और इन द जहां पे आपका कंडक्टिंग लेयर था वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू, तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो डेफिनेटली वहां पे एनर्जी आ जाएगी, और वही एनर्जी कहां से आएगी, मेरे वर्क परफॉर्म करने से आएगी, जो कितना होगा दिस विल बी द अमाउंट, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। तो डेफिनेटली आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा इस प्रॉब्लम का, कि कैसे वर्किंग करनी है और क्या अप्रोच रहेगा। बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम है कंसेप्चुअली, राइट। तो डेफिनेटली आप लेक्चर को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए जितना ज्यादा बता सकते हैं ताकि उनको भी हमारे काम से बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच, एंड मिलते हैं अगले सेशन में जिसमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर वर्कआउट करेंगे। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन 2 है, जरूर से उसे आप इंस्टॉल कीजिए। वो एक आपका है पूरा टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर जो मैंने आपके लिए बना रखा है, दूसरा इरोडो वीडियो सॉल्यूशन के लिए, राइट। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट। ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए आईआईटी जेई मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं, फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का,
केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर हाउ टू प्रिपेयर जेई जेई के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये जेई मेन एडवांस के लिए शॉर्ट कट दिए गए हैं, फिर जेई मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट अप पीएमटी की प्रिपरेशन भी कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास ट्वेल्थ के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीबीएसई, ये सारा कुछ है, मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए, डिटरमिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास ट्वेल्थ का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास इलेवंथ जो देखिए, क्लास इलेवंथ का आप देख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन फिजिक्स काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास टेंथ का है कैट एमबीए प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट है, दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट।